क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की जयंती पर क्षत्रिय भवन हरदोई व शाहबाद विकासखंड के मझिला गांव में क्षत्रिय महासभा हरदोई की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया। क्षत्रिय भवन में महासभा के पदाधिकारियों ने हवन पूजन के साथ ही महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पण किए। वहीं मझिला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे PCF डायरेक्टर राम बहादुर सिंह व विशिष्ट अतिथि महासभा के अध्यक्ष रामपाल सिंह ने संयुक्त रूप से हनुमान जी व महाराणा प्रताप जी का पूजन वंदन किया। कार्यक्रम का आयोजन अमित सिंह, जतिन सिंह व अनिरुद्ध सिंह आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन महासभा के कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राम बहादुर सिंह ने कहा कि आज के युवाओं को भगवान राम व महाराणा प्रताप के उच्च आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम ने सबका साथ सबका विकास का आदर्श अपनाया, तो वहीं महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार न कर सम्मान का जीवन जिया। भले ही उन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन अपनी मातृभूमि व देश की दास्ता नहीं ली। आज हम सबको उनके विचारों और पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, तभी अपना समाज और देश आगे बढ़ेगा। अपने संबोधन में महासभा के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि आज के दौर में युवा आधुनिकता में अपने इतिहास को भूलता जा रहा है। उपाध्यक्ष शिवशरण सिंह, महामंत्री राजेश्वर सिंह, महिला विंग की अध्यक्षा सीमा सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, दीपू सिंह और एनी आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मनीष सिंह, आशीष सिंह, दिनेश सिंह, रितेश सिंह, पवन सिंह, दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। भाइयों, अमित जी का निवेदन और क्षत्रिय महासभा की तरफ से ये कार्यक्रम बहुत व्यस्तता और बहुत तमाम चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अमित जी को मना नहीं कर पाया, क्योंकि अमित जैसे ही हमारे पास हनुमान है और मंच पर जितने लोग बैठे हैं अब सब जामवंत की भूमिका में। अगर जामवंत ने अपनी भूमिका नहीं समझी और हनुमान ने अपने को नहीं पहचाना तो दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। मैं अमित जी छोटे भाई हैं हमारे, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में और भी कई अमित पैदा करो। अकेले अमित तुम्हारे बनने से अमित नहीं काम चलेगा। इसमें कम से कम इस मझिला पूरे इसमें न्याय पंचायत में कम से कम हर गांव में एक अमित जरूर पैदा कर दो, इतना मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ भाई।